पन्ना जिले की इकलौती औद्योगिक इकाई जीके सीमेंट की वादा खिलाफी के विरोध में गुरुवार को बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनपद सदस्य, सरपंच और बेरोजगारों ने विधायक प्रहलाद लोधी को ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्र में चल रही कंपनी की मनमानी की बात कही गई है। जब से कंपनी क्षेत्र में स्थापित हुई है तब से क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी से जल प्रदूषित हो रहा है। इसको लेकर कंपनी के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए। वहीं कंपनी की स्थापना से पहले किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, तब परिजनों को रोजगार की बात कही गई थी, जो आज किसान परिवार के लोगों को नहीं मिला है। इस कारण से परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। वहीं कंपनी के आने से क्षेत्र के अंदर सड़क दुर्घटना और अवैध गतिविधियों में तेजी आई है। प्रशासन भी कंपनी के साथ मिलकर आवाज को दबाने की कोशिश करता है। विधायक प्रहलाद लोधी ने कहा, जनप्रतिनिधि क्षेत्र की आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके द्वारा कंपनी की मनमानी की कई शिकायतें क्षेत्र के जनपद सदस्यों और सरपंचों को मिली हैं। इसको लेकर मुझे ज्ञापन दिया गया है। इन सभी विषय पर अब मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। माननीय विधायक जी के पास हमने ज्ञापन सौंपा है जेके कंपनी की वादा खिलाफी के विपक्ष में। जो भी जब जेके कंपनी हमारे यहाँ पे स्थापित हुई थी, जो भी वादा कंपनी के द्वारा किया गया था पब्लिक हेयरिंग के दौरान में, वो एक भी वादे पर कंपनी खरा नहीं उतर रही। उसके अगेंस्ट पूरा काम कर रही है। चाहे वो वायु प्रदूषण की बात हो, चाहे वो सड़क दुर्घटना की बात हो, या गौचर की बात हो, या किसानों के साथ छल की बात हो, किसी भी मुद्दे पर आप बात करें, चाहे रोजगार की बात हो, किसान युवा हमारे क्षेत्र के जो भी हैं वो टोटल मतलब कंपनी उनको किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है और न रोजगार की बात करती है। नौकरी के लिए ज्ञापन सौंपा गया जी, जिससे जेके कंपनी द्वारा झांसा देकर के कहा गया कि तुम दोनों भाइयों को लगभग नौकरी स्थायी रूप से दी जाएगी। लेकिन कंपनी के गेट पर जैसे ही जाते हैं तो वहां से भगा दिया जाता है कि यहां कोई वैकेंसी अभी नहीं है, और जब भी वैकेंसी निकलेगी तो बताया जाएगा। बताया जाएगा का मतलब ये है कि मतलब पूर्ण रूप से नौकरी नहीं दी जा रही है। तो कृपया करके विधायक जी से यही ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारी नौकरी के लिए कोई भी शीघ्र से शीघ्र समाधान किया जाए। कितने एकड़ गई थी जमीन आपकी? हमारी आवाज को शीघ्र ही शीघ्र। कितनी जमीन आपकी? हमारी जमीन लगभग 10.5 एकड़ करीबन थी, जो कि 15 लाख के हिसाब से उन्होंने झांसा दे करके मांगी थी और 11 लाख के हिसाब से उन्होंने पैसे दिए। लगभग हमारे 40 लाख रुपए अभी भी नहीं दिए हैं जेके कंपनी ने, तो वो भी इसके लिए भी हमारे माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि इसके लिए भी थोड़ा सा योगदान दे करके वो आगे हमारी अपील को किया जाए। क्या नाम है? नाम मेरा ओमकार तिवारी है, ग्राम कोनी है, पोस्ट गोदा है। देखिए, यहाँ पर किसानों ने यानी कि हमें जानकारी दी है कि हमारी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण की गई है, तो इसके लिए मैं ऊपर तक बात करूंगा और कंपनी वालों से भी बात करूंगा कि इस प्रकार का अत्याचार न करें और जिनकी ज़मीन ली है उनको प्लांट में काम दें, क्योंकि उनकी खेती की ज़मीन तो चली गई, अब ज़मीन कहीं मिल नहीं रही तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो इसके लिए मैं उनसे भी कहूंगा उनको काम दें, नहीं तो इसके आगे के लिए जो भी कार्रवाई होगी किसानों के साथ मिलकर के हम उनका सहयोग करेंगे, वो आगे जो होगा उस पर लड़ाई लड़ी जाएगी। अब ऐसे रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।